नमस्कार दोस्तों, राम कथा कुंज में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां पर राम जन्मभूमि मंदिर के लिए मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। वो मूर्तियां जो सजीव होंगी, जो जीवंत होंगी, जो मनमोहक होंगी, आपके सामने झांकी ये दिख रही है। मूर्तियों का निर्माण राम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर राम कथा कुंज में किया जा रहा है। आइए इस मंदिर, इस लोकेशन के बारे में ठीक से देखते हैं, इनके स्टेटस को देखते हैं कि कितना निर्माण हुआ है। हनुमान जी के बिना कोई काम राम जी का स्टार्ट नहीं हो सकता, और इसलिए हनुमान जी की सबसे पहली मूर्ति और उसके बाद यहाँ पर अग्निदेवता प्रकट होकर के राजा दशरथ को पुत्र होने का आशीर्वाद देते हैं। अयोध्या के राजमहल में 4 भाइयों का जन्म होता है। भगवान राम के जन्म लेने के बाद में ये मूर्ति जिसमें वो झूला झूलते हुए पर देवी देवता प्रकट होकर के भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। ऋषि मुनियों के पास शिक्षा लेने के लिए जाते हैं चारों लोग। विद्या को सीखने की है, और यहां पर राक्षसों से ऋषि मुनि की रक्षा करते हुए ये मूर्ति, और इसके बाद राक्षसों का नरसंहार करते हुए जो राक्षस पूजा में विघ्न डाल रहे हैं, हवन में विघ्न डाल रहे हैं, आप मूर्तियों को निहारिए, आप में कलाकारी की पराकाष्ठा दिखेगी। ये मूर्तियां और भी सजीव हो जाएंगी जब इन पे कलर और बाकी आभूषणों से इनको संवारा जाएगा। ये बारिश के लिए राजा दशरथ जी का हल जोतते हुए चलाते हुए दृश्य है। इस मूर्ति के बारे में आप कमेंट में बताइए ये कौन सी मूर्ति है। यहाँ पर भगवान राम
माता सीता और लक्ष्मण के साथ में वन गमन जाने के लिए तैयार हैं। केवट जिसने भगवान राम को सरयू नदी पार कराई थी, वो चरण की रज लेते हुए, चरण की वंदना करते हुए, साथ में नाव देखी जा सकती है। वन गमन में जाते हुए ये मूर्तियां आप देख सकते हैं, आगे श्री राम, फिर सीता माता, उसके बाद में लक्ष्मण जी। चित्रकूट का दृश्य है इसके बाद। सबरी के आश्रम में पहुंचकर बेर खाते हुए राजा दशरथ की मृत्यु हो जाने के बाद में शोकाकुल परिवार राम से मिलने पहुंचता है। यहाँ पे राजा दशरथ की डेथ मौत का शोकाकुल परिवार का दृश्य है। भरत भगवान राम को लौटाने के लिए जाते हैं, वन जाने से मना करते हैं। राम भरत मिलाप का दृश्य आप देख रहे हैं इस समय। चारों भाई एक साथ बैठे हुए भिक्षा देते हुए माता सीता।
पर सूख नखा की नाक काटते हुए लक्ष्मण जी और राक्षस का बस वध करते हुए लक्ष्मण जी देखे जा सकते हैं। रावण का रथ बनाया जा रहा है इस फोटो में, अभी इसका निर्माण किया जा रहा है कलाकारों के द्वारा। आप देखिए सरिया को कैसे मोड़ करके जीवंत रूप दिया जाता है, और बाकी जितने ये स्तंभ दिख रहे हैं इनमें इन कलाकारियों को मूर्त रूप दिया जाना बाकी है। अब देखिए हर कितने सारी अभी इस तरीके के कंक्रीट पे काम होना बाकी है, इनमें लगना बाकी है, मूर्तियां बनना बाकी है, इनको मुहूर्त रूप दिया जाना बाकी है। सरिया को मोड़ा गया है इस काम के लिए और मूर्तियों को विजुलाइज किया जा चुका है। ये कलाकार हैं, उनमें से एक कलाकार जो मूर्तियों का निर्माण पूरी तरीके से कर रहे हैं, दिन रात इसमें लगे रहते हैं, दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कि कैसे चेहरे पर सजीवता लाई जा सकती है, कैसे इनको मनमोहक रूप दिया जा सकता है। इनकी लगन, इनका डेडिकेशन देखते ही बनता है। मूर्ति कलाकार ज्यादातर पश्चिम बंगाल से आते हैं, और ये जो कलाकार यहाँ पर हैं ये भी पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं, और 2013 से यहाँ पे मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। एक एक मूर्ति पर एक एक बारीकियों को देखने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। आप देखिए हाथ को बनाने के लिए इन सरिया पतले पतले तारों का यूज किया जाता है, इनको मोड़ा जाता है, फिर इनको सीमेंटिंग की जाती है। इस तरीके से हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ बनाने में, विजुलाइज करने में टाइम लगता है। आप उसे बैठो, एक बार बनाओ, एक बच्चा बनाओ, टाइम लगेगा। ये नहीं कुछ भी ऐसे आप मोड़ो, जो मोड़ रहे थे आप इसमें जो बना रहे थे, हाथ तो छिल जाते होंगे, पूरे छिल जाते होंगे भाई तार। अच्छा तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए। कोई मूर्ति के बारे में मुझसे छूट गया है उसके बारे में जरूर आप ऐड करिए। एक बार बाहर निकलते हुए हम पूरा दृश्य फिर से दिखा देते हैं आपको, बनाए जाने वाले मनमोहक दृश्य को फिर से देख लीजिए, इनके जीवंत रूप को देख लीजिए। कितनी सारी मूर्तियां क्रिएट की गई हैं जो मंदिर में कल को लगेंगी, उनको देख लीजिए। आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।